हम तो माइल बकरम हैं, कोई साहिल ही नहीं, राह दिखला किसे कोई रहरवे मंजिल ही नहीं। आज की रात आसमाने दुनिया से अल्लाह की रहमत आवाज दे रही है, ए दुखी इंसानों, मुसीबतों में फंसे हुए, आलाम में करहते हुए लोगों, गुनाहों के नीचे पिसते हुए इंसानों, तुम चाहते हो कि तुम्हें इज्जत मिले, तुम्हें रिज्क मिले, तुम्हें इल्म मिले, तुम्हें शान मिले। अल्लाह हर एक की दुआ को कबूल करने का ऐलान कर रहा है। देखो कदर अल्लाह के हाँ मिलती है, और ये नेकी की बुनियाद पर। और अगर कोई बुरा हो चुका, गुनाह करना इतना बड़ा जुर्म नहीं जितना करके भूल जाना जुर्म है। आज की रात है गुनाह को याद करके आंसू बहा के कदर पाने की रात, और जब एक आंसू सिर्फ एक ज्यादा हो तो नूरुन ला नूर है, सिर्फ एक आंसू मगर रिया का ना हो, जिस्मानी दर्द का ना हो, किसी अजीज की वफात का ना हो, अपने गुनाह की वजह से रब के खौफ का एक आंसू भी हो, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम का फरमान है, गारंटी है, सनद है, इसमें शक नहीं है, मा मिन अब्दिन मुमिन यखरुजु मिन ऐनिहि दमु व इन काना मिस्ला रासिस ज़ुबाब सुम्मा युसीबु शैयं मिन हुर्रि वजहिहि इल्ला हर्रमल्लाहु वजहहु अन नार। फरमाया जिस आंख से छोटा सा आंसू टपक पड़ा, अगरचे वो मक्खी के सर जितना हो, वो आंख से टपक के रुखसार पे बाद में गिरा है, रब ने उस बंदे को जन्नत की टिकट पहले अता कर दी है। वो कदर वाली रात, एक रात जो हजार महीने से बेहतर है, इस रात की ये अजमत, इस में उतरने वाली किताब की अजमत, उस उतरने वाली किताब के जो असबाक हैं उनकी अजमत, ये सारी चीजें जहन में रखने के काबिल हैं। इंसान सबसे ज्यादा कदर वाला तब बनता है जब उसके जिम्मे कोई गुनाह ना हो, और सबसे ज्यादा बेकदरा तब होता है जब गुनाह में डूबा हुआ हो। तो ये रात वो है कि जो इंसान को गुसल दे के, सारे गुनाह उतार के, उसे कदर वाला बना के रब के दरबार में पेश करती है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अकरम वो है तुम में से ज्यादा इज्जत वाला जो अतका है, जिसमें तकवा ज्यादा है, जो गुनाहों से सुथरा है, जो गुनाहों से पाक है। तो इस बुनियाद पर अल्लाह की तरफ से इस रात में ये एजाज है, एक इंसान जिस वक्त अपने माजी को याद करके एक आंसू भी बहा दे नदामत की वजह से, वो एक आंसू ही उसकी कदर का मेयार बन जाता है। और अगर इंसान अपने गुनाहों को ना सोचे, ना गिने, फिर बेकदरा होता जाता, उसकी वैल्यू नहीं होती। अल्लाह के यहां वैल्यू के लिए भी दर्जात हैं, और यहां तक सही बुखारी में मौजूद है कि रब्बे जुल जलाल के यहां कुछ लोग ऐसे हैं, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ज़हबस सालिहून अल अव्वल फल अव्वल, नेक बंदे एक एक करके दुनिया से चले जाएंगे, तबका हुफाला का हुफाला तिशईर व तमर, फिर छान रह जाएगा। कैसे? जैसे जौ का छान होता है। कैसे? फरमाया जैसे खजूरों का ढेर लगा हो, अच्छी अच्छी सारे मर्जी की लेते जाए, पीछे जो रद्दी रह जाती है, और ऐसे पीछे छान रह जाएगा, नेक लोग उठ जाएंगे, पीछे छान रह जाएगा। फिर फरमाया ला युबालिहिमुल्लाहु बाला, अल्लाह उन की कोई परवाह ही नहीं करेगा, ये लुगवी माना है, ला युबालिहिमुल्लाहु बाला, ऐसे लोग जमीन पे रह जाएंगे, रब जिनकी कोई परवाह ही नहीं करेगा, ये लुगवी माना है। तो मतलब क्या बना? मजाज यहां मुराद है, कुछ बंदे जमीन पे ऐसे रहते हैं, अल्लाह अर्श के फैसलों में उनके चेहरे सामने रखता है, उनकी रब के दरबार में वैल्यू बड़ी होती है, कदर बड़ी होती है। रब कहता है चूंकि फुला गली में वो भी रहता है, उसके सदके चलो पड़ोसियों को भी बख्श दो, चूंकि फुला शहर में वो भी है लिहाजा वहां तो बारिश होनी चाहिए, चूंकि फुला मुल्क में वो भी रहता है लिहाजा उनके लिए एहतमाम होना चाहिए। तो पता चला कि अल्लाह के दरबार में कुछ लोगों की ऐसी वैल्यू है कि एक बंदा करोड़ों के बेड़े पार कर देता है,
तो फरमाया इस तरह करके फिर सालिह उठते चले जाएंगे, पीछे छान रह जाएगा, और छान की वजह से ला युबालिहिमुल्ला बाला, उनकी कोई फिर वैल्यू नहीं होगी। तो पाक महबूब अलैहि सलाम फरमाते हैं ये ध्यान रखना कहीं छान ना बन जाना, कहीं तुम उन जौं का छान और खड़ंदी खजूरों जैसा ना बनना। तुम मेरी उम्मत ऐसे बनते रहो हर सदी के अंदर नए नस्लों में, तकवा परहेजगारी तकद्दुस नेकी और हया और शर्म और सिद्क व सफा इस अंदाज का हो कि अर्श पे फैसले करते वक्त रब तुम्हारे नामों को सामने रख के फैसले कर रहा हो। दुनिया में लगाने निकले।